हेलो 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 फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अमेजिंग सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स यूनिवर्स। आई होप यू आर ऑल फाइन एट योर होम एंड वी आर एंजॉयिंग दिस ऑनलाइन लेक्चर्स। सो गाइस, टुडे आवर टॉपिक इज वेदर फोरकास्ट बाय द यूज ऑफ बैरोमीटर। अब बैरोमीटर के यूज़ के बारे में आज लोग हम जानने वाले हैं कि बैरोमीटर से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा टेम्परेचर अप होगा, डाउन होगा, एटमॉस्फेयर में क्या चेंजेस आएंगे, स्टॉर्म आने वाला है या फिर ड्राई वेदर है, ये सब कुछ जानकारी हम लोग बैरोमीटर से जान सकते हैं। कैसे? सपोज वी नो दैट वेन एवर देर इज अ मोर ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी डिक्रीजिंग। अगर ह्यूमिडिटी कम हो जाए, ड्राई वेदर हो जाए, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी इंक्रीजिंग। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमें पता कर सकते हैं कि कौन से चेंजेस आने वाले हैं। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर में किस हिसाब से रिलेट करेगा? तो बैरोमीटर में वी नो दैट हाइट के डिफरेंस से हमें पता चल सकता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या चेंजेस आएंगे। अगर हाइट इंक्रीज होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी इंक्रीजिंग, अगर हाइट डिक्रीज होगी तो वाइस वर्सा। सो हियर आई लिस्ट आउट सम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन एटमोस्फेरिक प्रेशर। द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस इज इफ बैरोमीटर हाइट सडनली इंक्रीज, और हाइट सडनली पहले डिक्रीज की बात कर लेते हैं, तो पहले अगर डिक्रीज हो रहा है, तुरंत ही वो एकदम से डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज होने का मतलब तुरंत ही अगर डिक्रीज हो जाए तो फिर क्या होगा? तो वी नो दैट देर इज अ चांसेस, मोर चांसेस फॉर अ स्टॉर्म और साइक्लोन। जब बैरोमीटर तुरंत ही अपनी हाइट डिक्रीज कर ले तो तूफान आने वाला है, ये साइन हमें पहले से ही मिल जाएगी। ओके, नाउ सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस इफ बैरोमीटर हाइट सडनली इंक्रीजेस, अगर सबसे ज्यादा बढ़ गई हाइट, तो अगर हाइट बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा? तो देयर चांसेस फॉर ड्राई वेदर के चांसेस ज्यादा होंगे। क्लियर? ओके, फिर देन थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस इफ बैरोमीटर हाइट ग्रेजुअली डिक्रीजेस, अगर धीरे धीरे वो डिक्रीज हो रहा है बैरोमीटर का हाइट, तो फिर देयर इज अ चांसेस ऑफ रेन, बरसात आ रही है, क्योंकि बरसात में ही देयर इज अ मोर ह्यूमिडिटी इन एटमोसफियर। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, वी नो दैट जो एटमोसफेरिक प्रेशर है वो एटमोसफेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स जो एटमोसफियर है उसकी जो डेंसिटी है उसको कम कर देगा। ओके, नाउ फोर्थ कॉन्सिक्वेंसेस एंड दैट इज बैरोमीटर हाइट ग्रेजुअली, इफ इट इज ग्रेजुअली इंक्रीजेस, इंक्रीज होने वाला है तो दूसरे दिन ड्राई वेदर हो सकता है। क्लियर? तो ड्राई वेदर के चांसेस यहाँ पर ज्यादा है। अगर यहाँ की बात करें तो अगर बहुत ही सडन इंक्रीज है तो ड्राई वेदर की जो इंटेंसिटी है, ड्राई वेदर वहाँ पर स्ट्रांग हो जाएगा, और यहाँ पर धीरे धीरे ड्राई वेदर आना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? सो दीज आर दी वेदर फोरकास्ट बाय द यूज ऑफ बैरोमीटर। Thank you so much guys for listening my video lectures till the end. That means a lot to me. Thank you very much. Please like and subscribe my channel.